दोस्तों आप हमारे शो को इतना पसंद करते हैं, ये आपकी बेपनाह मोहब्बत है, आपकी जर्रा नवाजी है, बंदा परवरी है कि आपने हम खाक साख को इस काबिल समझा, वरना हम आपके नजर करम के हरगिज काबिल ना थे। आपकी इस चाहत के बदौलत हम एक नई ऊर्जा के साथ, नई जान के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हैं। ये है हमारी नई जान। थैंक यू प्रियेश। इससे पहले आप सभी लोग अकेले इस मनोरंजक सफर का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन इस बार मैं भी हूँ आपके साथ। मैं प्रीति चौधरी। और मैं प्रियेश सिन्हा। आइए मिलते हैं फिर उनसे। और सबसे पहले बिल्कुल बाएं तरफ है, लाल रंग के साड़ी में, अपराजिता जी। अपराजिता जी, अपने हस्बैंड को प्रूफ करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि तुम वो बहुत टैलेंटेड बनती हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और आपके बगल में है, बाजू में है, पिंकी जी। हाय, नमस्कार। वो चैनल ठीक से आया क्या? अरे अरे, उसे 2 नंबर पे लगाओ ना। अरे उसे लास्ट में करो यार, भूख लगी है, मुझे खाना तो दो। सारे डील करते हुए मेरे ऊपर आ जाते हैं। और आप दोनों के ठीक सामने हैं उर्मिला जी। नमस्कार। और चौथे कंटेस्टेंट मेम साहब हैं। नमस्ते। संगमिता जी। नमस्कार। औरतों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे औरतें अपनी प्रतिभा को सामने लाती हैं, अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाती हैं, अपने अंदर जितने भी गुण है उसको सामने लोगों के प्रति दिखाती हैं। ये बताएं, आप चारों के साथ हमने आज के एपिसोड को खेलना है, और पहली बार प्रीति भी आप लोगों को गेम खेलते हुए देखेंगे इस सेट पे, कैसा लग रहा है? दिल की फीलिंग जो मन में है, जो जुबान पे आना चाहता है, सबसे पहले मौका देता हूँ उर्मिला जी आपको। डेली रूटीन से निकल के और आप लोगों के साथ, अभी तक सिर्फ टीवी में देखा था, और आपके सामने खेलना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए खासकर। अब आपको भी टीवी में देखेंगे। मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ शुरू से, इनकी सीरियल। और ये शो भी मैं 1.5 साल से देख रही हूँ कम से कम। ये तो पूरी तैयारी के साथ आई है, आपने शो भी देखा है, दिमाग में फॉर्मेट भी है आपके, बहुत अच्छी बात है। मैं पिंकी जी आपसे जानना चाहूंगा, मन में क्या ख्याल है, जुबान पे क्या? मन में ख्याल है कि यहाँ से जीत कर जाऊँ। मेरे मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, अगर बखान करना चाहूंगी तो बहुत सा बता दीजिए, थोड़ा सा बखान करना चाहेंगी तो पूरा एक सीजन निकल जाएगा, एक सीजन निकल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि आप लोग उड़ेंगे या सचमुच उड़ जाएंगे जब हम खेलेंगे अपना पहला राउंड, जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रिविया। इस राउंड में आप लोगों ने करना क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। 1 मिनट का समय आप सभी को दिया जाएगा और 5 सवाल होंगे, जवाब आपको देने हैं फटाफट, और हर जवाब पे आपको 2 अंक दिए जाएंगे अगर जवाब सही हुआ तो। Okay. और अगर जवाब नहीं आता है, अगर आप फंस जाते हैं तो आप पास भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही 5 सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम किधर से स्टार्ट करें? आपकी फेवरेट से। मेरी फेवरेट? आप संगीता जी मेरी फेवरेट भी हो गई, ये तो मुझे पता है। नाम तो आपका फेवरेट है। मैं टाइमर चलाता हूँ, आप इनसे पहले सवाल पूछें। ठीक है। जिया खान की पहली फिल्म कौन सी है? निशब्द। ओके, दूसरा सवाल है आपसे, अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म कौन सी है? शोले। चलें, गलत जवाब है। तीसरा, मनोज तिवारी की पहली फिल्म कौन सी थी? आयुष तिवारी। मनोज तिवारी। आता है तो बताएं, नहीं तो पास कर सकते हैं। पास। 30 सेकंड हो चुके हैं। चलिए आपका अगला सवाल है कि अभिनेता मनोज कुमार को और किस नाम से जाना जाता है? याद कीजिए, मनोज कुमार, फेवरेट मनोज कुमार। जिस तरह की फिल्में करते थे ना, उसी तरह के नाम से जाना जाता है उन्हें। 45 सेकंड हो गए आपके। अगला सवाल करें आप। चले, शाहरुख खान का पहला सीरियल कौन सा था? सर्कस। समय होते हैं समाप्त जी, बताएं। बता सकते हैं? बताएं, जल्दी बताएं। आर्मी। अच्छा, सर्कस और आर्मी, तो ये दोनों गलत जवाब है। सॉरी, आप आर्मी तक गई थी, आर्मी फिल्म है उनकी। अच्छा, फौजी सीरियल थी। सॉरी, फौज में चली जाती तो सही जवाब मिल जाता। तो संगमिता जी ने यहाँ बनाया है सिर्फ 2 अंक। बढ़ते हैं आगे, उर्मिला जी स्टार्ट। पहला सवाल, अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी? रिफ्यूजी। मनोज वाजपेयी बिहार के किस शहर से संबंध रखते हैं? बेतिया। शाहरुख खान ने किस फिल्म में हॉकी कोच का रोल अदा किया है? हॉकी कोच, याद कीजिए। चक दे। फिल्म राजनीति के डायरेक्टर कौन है? प्रकाश झा। भारत की तरफ से अंतिम मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली कौन सी महिला है, कौन है? मिस वर्ल्ड लास्ट मिस वर्ल्ड जीतने वाली। लास्ट मिस वर्ल्ड चांदी। आपने पूरा समय है आपके पास। डायना। सोच के बताएं, हमसे पूछे ना।
लास्ट मिस वर्ल्ड। आप अच्छे से जानती हैं, आई एम श्योर हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस वर्ल्ड रही हैं और बहुत आगे भी निकल गई हैं। 52 सेकंड हो गए हैं, बताएं समय समाप्त होने वाला है और समय। प्रियंका चोपड़ा। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब, पांचों के पांचों जवाब आपने बिल्कुल सही दिए हैं। स्टार्ट करते हैं पिंकी जी, अब आपकी बारी है, आपसे स्टार्ट। पहला सवाल, सलमान खान की पहली फिल्म का नाम क्या था? बताएं। सोचिए सोचिए सोचिए, देखी होगी आपने, आई एम श्योर। आ नहीं रहा है, पेट में जुबान पे नहीं आ रहा। इसे पास कर दूं? हटा दीजिए। चले पास किया आपने। मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, मेरा जूता है जापानी गाना किस फिल्म अभिनेता पर? राज कपूर। बिल्कुल सही जवाब दिया, आगे बढ़ नहीं पाया था। दबंग फिल्म की एक्ट्रेस के पिता का नाम क्या है? दबंग फिल्म में जो एक्ट्रेस हैं उनके पिता का नाम क्या है? क्या बनारस? देखी होगी आपने, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। हाँ हाँ, गाने तो सुने, देखा भी होगा टीवी पे। फिर देखा देखा। फिल्म में जो हीरोइन है उनके पापा का नाम बताएं। बनारसी। आगे बढ़ते हैं, जगह का नाम बता दिया आपने। वर्तमान में नवाब पटौदी की बीवी का नाम आपने बताना है। वर्तमान में नवाब पटौदी के नवाब के बीवी का नाम बताएं। वो शर्मिला टैगोर। वर्तमान अभी में। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। हम तो आपसे लास्ट क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, आपने पास भी नहीं कहा। वर्तमान में नवाब पटौदी की बीवी का नाम है करीना कपूर। और सोनाक्षी सिन्हा को नहीं जानती आप? जानती। तो उनके पिता कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा। अपराजिता जी, पहला सवाल आपसे होगा, समय स्टार्ट। शाहरुख खान की पहली फिल्म का नाम बताएं। शाहरुख खान किसका फेवरेट नहीं है? उसका बहुत की पहली फिल्म याद आ रही है, सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन मेरा तो नाम नहीं याद आ रहा। जिसे याद आएगा? नहीं, मैं बाद में इनको सारी फिल्मों के नाम रटाऊंगी। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल यह है कि साइज जीरो का चलन किस एक्ट्रेस ने प्रचलित किया? करीना कपूर। चलती का नाम गाड़ी एक फिल्म थी जिसमें तीन भाइयों ने एक साथ काम किया है। राज कपूर, ऋषि कपूर और एक और कोई कपूर है। हाँ। कोई बात नहीं, अगला सवाल कर ही लीजिए। यस, चौथा सवाल है, यश चोपड़ा द्वारा डायरेक्टेड आखिरी फिल्म कौन सी है? जब तक है चांद। अरे वाह, ये शाहरुख खान की मूवी मालूम है। फिल्मों में अमिताभ बच्चन की माँ का रोल सबसे ज्यादा किसने निभाया है? अमिताभ बच्चन की माँ, एक ही माँ होती थी उनकी, एक सवाल ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पूछ तो ले। मैं सोच रही थी कि आप बता पाएंगे कि डर फिल्म आई थी? हाँ आई थी। उसमें सनी देओल थे? नहीं, उसमें तो अशोक कुमार थे। जो हम सब ने देखी है भाई, उसमें तो सनी देओल थे और शाहरुख खान थे। पता नहीं मैं कौन सा देख बैठा। तो ये कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट देख के आए। चलिए मैं लेटेस्ट की बात कर रही हूँ। तो उसमें आप मुझे ये बताइए कि जो रोल सनी देओल ने किया है, हाँ, वो किसी एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर को ऑफर किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो उनका नाम आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आके बताऊंगा भाई। बात तो मैं भूली गई। क्या? ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था। जी जी, उसका जवाब चाहिए भाई। आमिर खान, आमिर खान, पता मुझे। आमिर खान, आमिर खान, मुझे नहीं लगता आपको पता था। चीटिंग करके आए आप। ये तरीका ना, आमिर खान, आमिर खान ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। हां तो मेरे को पता था, तभी तो आप समझे। आमिर खान ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए माफ कर देते हैं इस बार। जवाब तो सही है ना? जवाब तो सही है। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी नया होगा, उन्हें भी पता लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड राउंड के लिए सब रेडी हैं? लेकिन राउंड का नाम क्या रखा है? राउंड का नाम एक्चुअली बहुत अजीब सा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्या था वो। कुछ अजब रिश्तों की गजब, हाँ, कहानी। अजब रिश्तों की गजब कहानी। तो आइए खेलते हैं आप लोगों के साथ। स्टार्ट किधर से करें? हमने चूंकि रुमला जी पहला स्टार्ट आपसे किया था, इस बार हम आते हैं इधर पिंकी जी से, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन में मुझे वही लग रही है। मैं चाहती हूँ कि पहले ये खेल ले, इनकी टेंशन खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, पहला सवाल, आपकी माँ के पिता के छोटे बेटे का भाई आपके क्या लगेंगे? मैं रिपीट करती हूँ, आपकी माँ के पिता के छोटे बेटे का भाई आपके क्या लगेंगे? भाई। गलत जवाब है ये, मामा लगेंगे। मामा। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके भाई के माँ के पिता के बीवी आपकी क्या लगेगी?
आपके भाई की माँ के पिता की बीवी आपकी क्या लगे? बाप रे, के भाई के माँ की पिता क्या लगे? हाँ, मम्मा लगेगी। मम्मा पक्का? ये जवाब गलत है। भाई की माँ नानी लगेगी, बीबी। हाँ, नानी लगेगी। नानी। हाँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ। आपकी दादी के छोटे लड़के की माँ आपकी क्या लगेगी? उनकी माँ चाची दादी ही लगेगी। दादी? हाँ हाँ। क्या कहते हैं? चलिए ये जवाब आपने सही दे दिया। सही बता दिया। चलिए दादी सही जवाब है और इसलिए हम आपको देते हैं 2 अंक। पढ़ते हैं आगे। और अब है अपराजिता जी आप। पहला सवाल आपसे ये है, आपकी दादी के बेटे की बहन आपके क्या लगेंगी? बुआ। बुआ लगेंगी? तो बड़ी क्विक है यार। तो ये बड़ी बुआ लगेंगी या छोटी बुआ लगेंगी? ये तो पापा से पूछकर बताना पड़ेगा। कम मत समझना आप उन्हें। कम नहीं समझ रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, आपकी मामा की बीवी की बेटी का बेटा आपका क्या लगेगा? मामेरी बहन। मामा की बीवी की बेटी का बेटा। मेरी बहन का लड़का मतलब भतीजा। मेरी बहन का लड़का हुआ तो क्लोज है? अब उससे भांजा कह सकती हैं? कह सकते हैं क्या? या तो भतीजा होता है या भांजा होता है, आप क्या कहना चाहते हैं? भांजा। भांजा पक्का? लॉक कर दूं? चलिए भांजा लॉक करते हैं। जवाब। अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है, आपकी बुआ के पति के ससुर आपके क्या लगेंगे? मेरी बुआ के पति के ससुर मेरे कोई नहीं लगेंगे। रिश्ते खत्म कर दिया। अब इतना लंबा रिश्ता लोग। बिल्कुल बिल्कुल, दादाजी लगेंगे। और आपका 2 जवाब सही है, 4 अंक देते हैं हम आपको। 2 जवाब? 2 तो सही, 3 ही थे ना, तो 2 तो सही बता दिए। दादा लगे। संगीता जी दादा लगे। दादा ही लगे ना। हाँ तो देखिए, ये सवाल आपसे करना चाहिए था। नाम कटा दिया आपने। मैंने तो पहले ही सोची चलेगी। अपना तो बताया ना, इनका बड़ा बता रहे हैं आप। ऐसे ही होता है। संगीता जी आप बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल आपसे पूछेंगे प्रीति, आपकी बुआ के बेटे की नानी आपकी क्या लगेंगी? बुआ के बेटे की नानी। सारे रिश्ते दादी। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। 2 अंक। आपकी चाचा के बेटे के ताऊ आपके क्या लगेंगे? कुछ हुए? या तो मेरे पापा होंगे या चाचा होंगे। दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं। चलिए, आपकी माँ के छोटे बेटे की बीवी की सास आपकी क्या लगेंगी? मम्मी लगेंगी। अरे वाह तालियां, 3 आंसर ठीक बता दिए इस बार। 6 अंक हुए आपके। सेकंड राउंड में कॉन्फिडेंस आ गया। उर्मिला जी अब आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपके चाचा की बीवी के ससुर का बेटा आपका क्या हुआ, क्या लगेगा? या चाचा लगेंगे या पापा लगेंगे? बिल्कुल सही जवाब। आपके मामा के बेटे का बेटा आपका क्या लगेगा? भांजा या भतीजा? या बच गई, क्लोज था। भतीजा। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके माँ की बहन की बेटी की मौसी आपकी क्या लगेंगी? माँ। अरे वाह तालियां। सुपर। फुल ऑन आपने जवाब दिया है, 6 अंक आपके यहाँ पे बनते हैं और बहुत बधाई है, आपने दूसरे राउंड में भी बेहतरीन खेला आपने। इसी बात पे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक सवाल आपसे फिर कर ही डालूं। ये क्या मतलब, आप कहीं एकेडमी में पैदा हुई थी? आपको कंटेस्टेंट के सामने ऐसे प्रूव करना है कि आप भी इंटेलिजेंट हैं, आपको सब मालूम है। सब प्रूव किया हुआ है मैंने पिछले कई सालों से, प्रूव करके चल रहा हूँ। फिर भी आप मेरे साथ, आपके भाई के बेटे की माँ, हाँ ओके, आपके भाई के बेटे की माँ आपकी मम्मी जी की सास की क्या हुई? ब्रेक। चलिए हम ब्रेक से लौटते हैं, तब तक ये कठिन सवाल का शायद आसान सा जवाब ले आए। एक और नया राउंड आप लोगों के सामने हम रखने वाले हैं। उससे पहले मेरे सवाल का जवाब लेकर आए आप? बड़े स्मार्ट बनते हैं कुछ लोग। अरे बताओ जवाब, बताओ मुझे जवाब, तो बताओ कि मैं जवाब दूं। बताइए आप सपोर्ट करेंगे इनको? एक इतने से छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। वो मेरी माँ लगेंगी। हे भगवान। दादी लगेंगी, मौसी लगेंगी, नानी लगेंगी, सास लगेंगी, बुआ लगेंगी, फूफा लगेंगे, मौसा लगेंगे, काका लगेंगे, चाचा लगेंगे, भैया लगेंगे। मतलब ये कि दूर दूर तक आपका रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है? क्या मैं आवारा कुत्ता घूम रहा हूँ? और जो अगला राउंड है आप लोगों से, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है, जैसा कि अब तक आप लोगों को आ रहा है, और बहुत सारे अंक भी आप लोग बनाएंगे।
खेलते हैं अपना अगला राउंड जो है दमश्राद्ध। ओके, ये आप लोगों ने आई थिंक बचपन से सभी खेलते हैं। रूल्स बताइए। रूल्स जो है आपने एक हम एक्ट करेंगे और आप लोग उस एक्ट को समझना है, बताना है, उससे रिलेटेड जो भी बातें आप बता सकती हैं बताएंगी और अंक बटोर के ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उसे सबसे पहले मौका देंगे और जिसे एक बार मौका मिल गया उसे दोबारा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए जवाब आप सही देने की कोशिश करें। और जैसे ये एक्ट करना शुरू करेंगे टाइमर मैं प्ले कर दूंगी और एक मिनट के अंदर आपको जल्दी से जवाब देना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने तो हाथ उठा लिया। हाथ उठाया, बताएं। फैशन। बिल्कुल। अरे वाह, सही पहचाना। इसका मतलब ये मॉडल की तरह कितने अच्छे चल रहे थे। नहीं, चल कैसे रहा था वो छोड़े, एक्ट कितना बढ़िया से किया कि आप समझ गए। जी, तो अब आपकी बारी। हाँ, ये लाएं। अरे मुझे भी तो सोचने दीजिए कुछ। सोच लें आप। अब आप नहीं खेल सकती, आपके दो अंक हो गए। स्टार्ट। नहीं, फूल लेते फूल लेते फूल। समझे, प्रीति को देखें, हाथ तो उठा संगीता जी का, बताएं। दबंग। अरे यस, मुझे लगा सलमान खान के स्टाइल से समझ जाएंगी, लेकिन वहाँ बेल्ट तक पहुँचना पड़ा हमें। हम दोनों साथ ही। दबंग आपने कहाँ बोला? हमने भी कहा था। बोला? मैं तो हाथ ही नहीं उठाया। हाथ तो उठाया। ये हाथ इन्होंने भी नहीं उठाया। आप लोगों ने समझना है। क्या मोहब्बतें? मोहब्बतें थोड़ा सा करीब थी पर ये जवाब। ये कौन है भाई? और ये बताएं बताएं, अभी एक मिनट समय नहीं। देवदास। देवदास में कब पारो ऐसे भागी मुझे बताओ। कब भागी? देवा करके तो भागी थी। फिर से? फिर से। हाँ, चल रहे 20 सेकंड बचे हैं, आप कुछ और करना चाहें तो। जब तक है जान। आपका टाइम अप होने ही वाला है। वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। ले जाएंगे। पर समय निकल चुका था मैम। दो नंबर में से एक नंबर काटते हैं, एक नंबर दे देते हैं। चलिए आपने हाँ आसपास तो थी। अगला मौका है मेरी सुस्त पिंकी जी, आप उस समय देते हैं। काट। Oh my God. मुस्कुराहट। ये इसमें मुस्कुराहट का है? नहीं। और इसमें भी कहा है? इसमें कहा है? ये गंदगी, ये डर्टी कुछ लगा, डर्टी लगा ले कैसे लगाया ना, कोई डर्टी क्या है? मैं झाड़ा भी फिर ऐसे हाथ भी झाड़े। ये डर्टी पिक्चर है। डर्टी पिक्चर थी। कोई बात नहीं, आप जवाब नहीं दे पाई और अंक भी हम नहीं दे पाएंगे, माफी चाहते हैं आप लोग। इसी के साथ ये राउंड समाप्त होता है और एक क्लू अब आपके लिए। मेरे लिए? यस। अब आप बताएं, मेरी बारी है। मैजिक डांस सांबा। हाँ, अम्बा सांबा हो रहा है। बता, आप में से कोई बता सकता है? सिंगम। सबने बता दिया। चले, बड़े मजे मजे के साथ आज के इस एपिसोड को हमने खत्म किया है और अब रिजल्ट की बारी है। प्यारी पिंकी जी, पहला राउंड हुआ, दो अंक आपने बटोरे, दूसरे राउंड में आपने बनाए दो अंक, तीसरे राउंड में आपने बनाए जीरो और आपका कुल स्कोर है सिर्फ 4 अंक। स्कोर कार्ड देखे धक धक हो रही है दिल में। डर लग रहा है। फर्स्ट सेगमेंट में आपने आपके 10 मार्क्स हैं, सेकंड में 6 मार्क्स, थर्ड सेगमेंट में 5 और आपका टोटल है 21 मार्क्स। बात है अपराजिता जी आपकी, पहला राउंड 6 अंक, दूसरे राउंड में 4 अंक, तीसरे राउंड में हमने आपको आधा दिया, 2.5 नंबर थे वहाँ और आपका कुल स्कोर है 12.50, 12.5। ठीक है, अब मैं
आपकी प्यारी संगमिता जी के पास आ जाओ। बिल्कुल। आपके फर्स्ट राउंड में मार्क्स थे 2, सेकंड राउंड में 6, थर्ड राउंड में 5 और आपका टोटल है 13। मैं चाहता है इनको 13। तो इस तरह से आप लोगों के स्कोर सामने हैं और उर्मिला जी आप हमारे साथ सिटी फिनाले खेल रही हैं। कंग्रेचुलेशंस। पर मैं बाकी की मेरी तीन मेम्स आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इनके पास भी एक सुनहरा मौका है डायरेक्ट फिनाले में एंट्री लेने का, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। यानी कि एक मौका अभी भी आप लोगों के पास में है जहाँ आप सिटी फिनाले को सीधा खेल सकती हैं, इसलिए उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर में कैसा लग रहा होगा, अभी लोग देख रहे होंगे एपिसोड को, कैसा लग रहा होगा? बहुत खुश हो रहे हैं। सबसे खुशी मेरी सासू माँ को हो रही होंगी। सासू माँ को जी, वो चाहती है जाओ करो जीत के आओ। आपने कहा दिखाया, बिल्कुल उनके सपनों को पूरा किया। देखा, ये हमारी मेम साहब सासू माँ के सपनों को पूरा किया इन्होंने आज। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।